टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर जाएगी और उसके लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो गया। कुछ चौंकाने वाले नाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे नामों को शामिल नहीं किया गया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो एक तूफान जैसा आ गया और साथ ही साथ एक बात छिड़ गई है कि गौतम के आते कौन सी गंभीर सियासत शुरू हो गई है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी T20 में एवरेज 40 के करीब और स्ट्राइक रेट 140 के आसपास हो और T20 रैंकिंग में वो टॉप 10 में हो, बावजूद उसके वो अगर टीम में जगह ना बना पाए तो कुछ तो गड़बड़ है इस टीम सिलेक्शन में। जब आप कहते हैं कि 2026 के T20 विश्व कप के लिए आप टीम तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसमें एक ऐसे खिलाड़ी को आप बाहर करो, शायद ये चीज आसान नहीं होगी ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा खिलाड़ी, जब मौका मिला परफॉर्म करके दिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने शतक बनाया, जिम्बाब्वे में जाकर टीम असमंजस और कठिन परिस्थिति में थी, वहां पर अर्धशतक जड़ा, टीम को मुकाबले जिताए, वहां पर आखिरी मैच में रेस्ट दे दिया गया और जब सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर रहे उस प्रतियोगिता में उस खिलाड़ी को बैठा दिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर क्या शुभमन गिल को मौका दिया जा रहा है? क्या गायकवाड़ को इसीलिए नहीं खिलाया जा रहा है कि गिल का करियर थोड़ा सा ऊंचा हो सके? ऋतुराज गायकवाड़ हर चीज में T20 आईज में शुभमन गिल से बेहतर है, चाहे वो रन हो, चाहे वो शतक हो, चाहे वो स्ट्राइक रेट हो। शुभमन गिल ने 19 मुकाबले खेले हैं जहां उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 139 के आसपास है और औसत जो है वो 29 के आसपास है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ औसत भी 40 के आसपास है और स्ट्राइक रेट भी 140 से ऊपर है। तो फिर क्यों, किस वजह से शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बना दिया है और ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है? शुभमन गिल तो T20 के रैंकिंग में बहुत दूर तक नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ टॉप 10 में है, देश की इज्जत बचाए हुए हैं, क्योंकि तीन ही खिलाड़ी हैं, सूर्या, यशस्वी और ऋतुराज, और आपने उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया है। जब आप कहते हैं कि 26 के लिए आपको टीम तैयार करनी है, तो फिर एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो परफॉर्म करके आपको दे। गौतम गंभीर ज्यादातर अच्छे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर यहां पर चूक कैसे हो गई? क्या ये फेवरेटिज्म चल रहा है? क्या किसी ने कहा है कि गिल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए एज कंपेयर टू ऋतुराज गायकवाड़? जब आपके पास रोहित और कोहली, जडेजा तीनों नहीं है T20 आईज में, तो फिर अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों की जगह क्यों नहीं बनेगी? ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम का हिस्सा होने चाहिए, हर कोई कह रहा है। औसत के मामले में गिल से बेहतर है, रनों के मामले में गिल से बेहतर है, शतक अर्धशतक के मामले में गिल से बेहतर है और टेम्परामेंट के मामले में भी गिल से बेहतर है। गिल वनडे और टेस्ट दोनों खेलते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जब एक अलग टीम बन रही है, T20 आईज की एक अलग टीम बन रही है, तो उसमें नाम होना चाहिए था ऋतुराज का। गायकवाड़ का नाम नहीं है, लेकिन गायकवाड़ होना भी आसान नहीं है। इतने मौके मिले, आपने परफॉर्म किया, फिर बिना वजह आपको रेस्ट दे दिया जाता है। आपने 4 मुकाबलों में लगातार रन बनाए जब टीम संकट में थी, लेकिन 5वें मुकाबले में मजबूत स्थिति में टीम है पर आपको बाहर कर दिया गया ताकि कप्तान के रन ज़्यादा हो जाएं, आपको नहीं खिलाया जाता है, फिर अचानक से आपका सीरीज में नाम नहीं आता है, तो ये आसान तो नहीं है। क्या सोच रही है सिलेक्टिंग टीम, क्या सोच रहा है कोच, और इसके साथ साथ BCCI ये फैसलों पर ध्यान दे भी रहा है या फिर जैसे कि तैसा चलता जा रहा है? क्योंकि रियान पराग वनडे और T20 दोनों में आ चुके हैं पर ऋतुराज नहीं। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।